स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और कॉपी में और याद भी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोएम द फाउंटेन इज कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। इट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोइट। ये कवि के लिए प्रेरणा की स्रोत है। इट इज़ फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन, और सूर्य की रोशनी में जो फब्बारा है किसे प्रकाश से परिपूर्ण दिखता है। इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स, और सब मौसम में ये प्रसन्न रहता है। इन द मून लाइट चांदनी में इट लुक्स वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। इट लुक्स हैप्पी डे एंड नाइट, दिन रात ये प्रसन्न ही दिखता है। इट ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, ये हमेशा खुश रहता है। फ्रेश ताजा एंड चेंजफुल, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। द पोइट ऑल्सो विशेस टू बी ग्लोरियस लाइक द फाउंटेन, तो कवि जो हैं फब्बारे की तरह ही ग्लोरियस अर्थात शानदार बनना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी सेंट्रल आइडिया और सभी जो परीक्षा उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ। ओके, गुड बाय।